हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में थंबनेल से आपको पता चल गया होगा दैट मैं मैट लुक का न्यूली लॉन्च्ड बीबी क्रीम रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ये बीबी क्रीम मुझे रिसीव हुआ था कुछ इस तरह के बॉक्स में। इसको खोलने के बाद इसके अंदर से एक ट्यूब पैकेजिंग निकलता है जिसके अंदर बीबी क्रीम है। ये ट्यूब पैकेजिंग एक पंप के साथ आता है। ये रिटेल करता है 325 रुपीज़ का, बट मुझे डिस्काउंट में ये 248 रुपीज़ का मिला था अमेज़ॉन से। मेरा जो शेड है वो क्लासिक टैन है, ये सबसे आखिरी शेड था इस रेंज का। इसमें टोटल 6 शेड्स अवेलेबल थे, मैंने लास्ट शेड चूज़ किया था, बट तब भी ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट था। अब मैं इसका फेस एप्लीकेशन करूँगी। कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल थी, जैसे एक बीबी क्रीम की होती है। ब्रश से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया था। ज़्यादा कवरेज नहीं थी, बिल्डेबल कवरेज थी इसकी। जैसे एक नॉर्मल बीबी क्रीम हाइड्रेट करता है, वैसे यस, ये बीबी क्रीम भी मेरी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही थी। यू कैन सी कहीं पर भी ड्राई पैचेस नहीं बन रहे थे और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रही थी। ओवरऑल ये प्रोडक्ट एक डेली यूज़ के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे मेरा वेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। यू कैन सी इस बीबी क्रीम ने एक बहुत ही नेचुरल लाइट वेट फिनिश मेरे फेस को प्रोवाइड किया था। मैं इसको लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गया था लूज़ पाउडर से, और मैंने अपना नॉर्मल ब्लश भी अप्लाई कर लिया था। एक एवरीडे मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया था मैंने, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। मुझे अपना ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सिंपल था। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ याद से कर देना।